Good morning students, how are you? I hope you are all fine. Today I will teach you chapter 1st, The Rise of Nationalism in Europe for class 10th, subject SST. आज मैं आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसी को हम आज कंटिन्यू पढ़ेंगे. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, आज हम उसी के आगे कुछ डेट्स दे रखी है, सम इम्पोर्टेंट्स डेट. पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले डेट दे रखी है 1797, नेपोलियन इन्वेड्स इटली. नेपोलियनिक वार्स बिगन्स. 1797 में क्या हुआ था, नेपोलियन ने क्या किया था, इटली के ऊपर हमला किया था और नेपोलियन ने क्या की थी, युद्ध की शुरुआत कर दी थी. वार्स का मतलब युद्धों की क्या कर दी थी, उसने शुरुआत कर दी थी. फिर 1814 एंड 1815, फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट. नेपोलियन का अंत हो गया था और उन्होंने क्या किया था कि वियना शांति संधि कर ली थी. ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है. ठीक है, फिर 1821 के अंदर क्या हुआ था, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगन्स. ग्रीक्स जो थे यानी कि यूनानी थे, उन्होंने क्या कर दी थी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. 1848 रिवॉल्यूशन इन यूरोप, आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीसेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, इटालियन, जर्मन्स, मैग्यार्स, पॉल्स, क्रेच एक्सेट्रा डिमांड नेशन स्टेट्स. क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन इन यूरोप. यूरोप के अंदर जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तब आर्टिसंस यानी कलाकार, इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करते थे मजदूर वह, एंड पीजेंट्स यानी कि किसान, रिवॉल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप यानी कि जो किसान थे वो जो क्या कर रहे थे, किसके विरुद्ध खड़े थे, जो मेहनत कर रहे थे. मिडिल क्लासेस डिमांड, मिडिल क्लासेस की क्या डिमांड थी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स. मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट बने, कौन सी, जिसके अंदर संविधान और संविधानात्मक और प्रतिनिधियात्मक क्या बने, गवर्नमेंट बने. इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पॉल्स, क्रेच एक्सेट्रा डिमांड नेशन स्टेट्स. और जो इटली के जो लोग थे, जर्मन्स जो थे, मैग्यार्स के जो लोग थे, पॉल्स के जो लोग थे, क्रेच एक्सेट्रा, इनकी क्या डिमांड थी कि नेशन स्टेट्स हो यानी कि राष्ट्र राज्य हो. फिर क्या आया था 1859 से 1817 में क्या हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण हुआ था. ठीक है, और 1866 से लेके 1871 तक जर्मनी का एकीकरण हुआ था. क्या हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी कि जर्मनी का उस समय एकीकरण हुआ था. देन 1905 यानी कि 1905 के अंदर क्या हुआ था, स्लाव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटम्स एम्पायर. हैब्सबर्ग और ऑटम एम्पायर जो था, साम्राज्य था, उसके अंदर क्या था, जो स्लाव था उसने क्या की थी, राष्ट्र जो था वो क्या हो, मजबूत होना चाहिए. किसने बात की थी, हैब्सबर्ग और ऑटम के एम्पायर्स के अंदर स्लाव जो नेशनलिज्म हो वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं अपन द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस यानी कि कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग. ठीक है, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट. सामाजिक और राजनीतिक जो जमीन के मालिक थे, जो डोमिनेंट क्लास के थे, जो कुलीन वर्ग के थे, वो क्या थे, ऑन द कॉन्टिनेंट यानी कि एक प्रभुत्वशील था जो ये वर्ग था, ये बहुत ही शक्तिशाली था. कहाँ पर, ऑन द कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप महाद्वीप के अंदर. सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जमीनों के मालिक थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, वो बहुत ही प्रभुत्वशील थे यानी कि शक्तिशाली थे. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. द मेंबर ऑफ दिस क्लास, इस वर्ग के जो लोग थे, वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, वो क्या करते थे, अपनी जीवन शैली बिल्कुल साधारण तरीके से जीते थे. दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन, जो कि क्या थी, क्षेत्रीय आधार पर बिल्कुल कट ऑफ थी यानी कि आर पार थी, बिल्कुल साफ थी. दे ऑन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस. वो किसके मालिक थे, खुद के
ग्रामीण इलाकों में जो भी टाउनशिप थे, जो भी वहाँ पे हवेलियाँ थी, वो सब क्या थे, उनके मालिक थे। ठीक है, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। वह हाई सोसाइटी के लिए राजनीतिक कार्यों में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। उनकी जो फैमिलीज थी, उनके जो परिवार के लोग थे, वो आपस में क्या थे, विवाह के बंधन में बंधे हुए थे, मतलब कि उनका क्या था, क्रॉस के अंदर रिश्ते होते थे। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द प्रेजेंट्री। लेकिन जनसंख्या के अंदर मेजोरिटी किसकी थी, किसान वर्ग की, जो भी प्रेजेंट्री थे उनकी क्या थी, मेजोरिटी ज़्यादा थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फाउंड बाई अटेंडेंट्स एंड अ स्मॉल ओनर्स। वेस्ट के अंदर जो जमीन थी वहाँ पर क्या थे, किसान बहुत ही कम मात्रा के अंदर काम करते थे। वाइल जबकि इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यानी कि पूर्वी और मध्य यूरोप के अंदर जो लैंड होल्डिंग वाज करेक्टराइज्ड बाय वेस्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। सर्फ्स के द्वारा वहाँ पे ज़्यादा कार्य किया जाता था। इनकी संख्या क्या थी, इनके जो नंबर्स थे वो क्या थे, ज़्यादा थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेपर पे आते हैं। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द एमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। क्या हुआ था, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी एंड सेंट्रल यूरोप यानी कि मध्य यूरोप के, इसके अंदर क्या हो रहा था, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा था उसकी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द एमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस, और जो वाणिज्यिक वर्ग था उनकी भी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। अब ये मार्केट में क्या था, कितना प्रोडक्शन जाता है उसके ऊपर क्या था, डिपेंड था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड के अंदर कब, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बीच में। बट लेकिन इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट, लेकिन फ्रांस और जर्मन के जो स्टेट पार्ट्स थे वहाँ पर कब स्टार्ट हुआ था, ये 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी के दौरान ये वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। In its wake, new social groups came into being, a working class population and middle classes made up of industrialized businessmen, professionals. और इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ था, न्यू सोशल ग्रुप्स, नए सामाजिक समूह सामने आए थे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग जो थे वो भी सामने आए थे, मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लोग जो कि बने थे क्या, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने थे, प्रोफेशनल्स बने थे, वो सभी क्या आए थे, सामने आए थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, मध्य और पूर्वी यूरोप के अंदर, दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल दैट लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत तक इन सब की जो संख्या थी वो क्या थी, कम थी, कम मात्रा के अंदर थी। इट वॉज अमोंग द एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लासेज दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनाइटी ऑफ फॉलोविंग द एबोलिशंस ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस ग्रैंड पॉपुलरिटी। लेकिन जो कुलीन विशेषाधिकारों की जो समाप्ति के बाद जो शिक्षित और उदारवादी वर्गों के बीच में क्या हुई थी, राष्ट्रीय एकता के जो विचार आए थे वो बहुत ही क्या हुए थे, लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, इसके बाद में आता है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।